बिल्डर बेस पर आखिर हमेशा रात क्यों होती है? आपको लग सकता है कि इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब नहीं है और बस किसी तरह का मैजिक ही बिल्डर बेस के नाइट टाइम को एक्सप्लेन कर सकता है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्डर बेस का नाइट टाइम हमारी रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। कैसे? तो नॉर्मली हम सब ये जानते हैं कि आसमान नीले रंग का है, जो सुनने में सही तो है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हमें आसमान नीला अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण दिखता है। पर अगर आप ऐसा मानो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अचानक से आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाओगे जहां जब भी आप आसमान में ऊपर देखोगे तो आपको नीले आसमान की जगह अंधेरी रात जैसी डार्क स्पेस दिखेगी। आप इस सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए खुद को मून पर खड़ा हुआ इमेजिन कर सकते हो, एक जगह जिसका एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर बिल्डर बेस भी एक ऐसी जगह है जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो उसके हर समय नाइट टाइम को एक्सप्लेन करता है। और यही नहीं, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हम ये भी मान सकते हैं कि बिल्डर बेस पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है, रेडिएशन जिसने बेटा मिनियन जैसे क्रिएचर्स को जन्म दिया होगा। तो क्या यही कारण है बिल्डर बेस के नाइट टाइम का? आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में जरूर बताएगा।